हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैमरा का जो डाटा होता है, कैमरा का फोटोज वीडियोस को हम लोग लैपटॉप में किस तरह से हम लोग ट्रांसफर करते हैं, इस विषय में आज की इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि यदि आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी करते हुए हम लोग क्या कहते हैं, लैपटॉप से कैमरा, मतलब सॉरी, कैमरा से लैपटॉप में हम लोग क्या करेंगे, डाटा को ट्रांसफर करते हैं। तो दोस्तों, सिंपली आपको कैमरा से लैपटॉप में डाटा ट्रांसफर करने के लिए कैमरा में एक मेमोरी कार्ड लगा रहता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इसका इमेज, इस तरह का मेमोरी कार्ड लगा रहता है। तो इस मेमोरी कार्ड को आपको कैमरा से निकालना है, उसके बाद आपको लैपटॉप पे मतलब कि लगा देने के बाद आप उससे क्या कर पाओगे, डाटा ट्रांसफर कर पाओगे। तो चलिए मैं आपको लाइव दिखा के दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास है ये कैनन 200D मार्क टू का कैमरा। जैसे कि देख सकते हो, मैं आ चुका हूँ अपने कैमरा के पास। दोस्तों, सिंपली आपको क्या करना है, इसमें से इसका जो मेमोरी कार्ड है, यहाँ पे लगता है, नीचे में लगता है इसका मेमोरी कार्ड। मैं आपको उलाट के दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे लगता है इसका मेमोरी कार्ड, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको बटन को प्रेस करके इसको क्या करूँगा, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ से ये जो मेमोरी कार्ड है, ये जो मेमोरी कार्ड है, इसको यहाँ से क्या करता हूँ, निकाल लेता हूँ, ठीक। आपको मेमोरी कार्ड को सिंपली इस तरह से निकाल लेना है। जैसा कि देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपना 64GB का जो मेमोरी कार्ड है उसको मैं निकाल लिया हूँ। और सिंपली कैमरा से लैपटॉप में ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो, आपको एक स्लॉट दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको इस साइड ने, इस साइड एक स्लॉट दिया हुआ होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे आपको एक स्लॉट दिया हुआ है, ठीक है। इस स्लॉट पे क्या करना है, इस मेमोरी कार्ड को डाल देना है। जैसे कि देख सकते हो, सिंपली इस तरह से आप इसको क्या करोगे, इस तरह से डाल दो। उसके बाद देख सकते हो आपका जो लैपटॉप है यहाँ पर ऑन हो चुका है। और आप सिंपली यहाँ पर जा करके, डिस पीसी में जा करके, जैसे यहाँ पर जाओगे तो देख सकते हो जो हमारा मेमोरी कार्ड है, यहाँ पर 64GB का जो मेमोरी कार्ड था वो यहाँ पे मेरा आ चुका है, ठीक है। अब फिर यहाँ से जाने के बाद आपको जो फ़ोटो है, वीडियोस है, वो आप अपना लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर सकते हो, या मतलब आप जहाँ चाहे वहाँ पे आप क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये है एक तरीका जो आप कैमरा से आप लैपटॉप में कोई भी डाटा को आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो दोस्तों, आई होप यह जो वीडियो है आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और यदि आप कैमरा लेना चाहते हैं तो इस कैमरा को आप बाय कर सकते हैं, कैनन 200D मार्क टू, जो कि आप बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में और बहुत ही मस्त कैमरा है, ठीक है। इसका लेंस खोल के मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देख सकते हो बहुत गजब लग रहा है यार।